जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि शादी की सालगिरह कैसे मनाएं। सबको अपनी शादी की सालगिरह एक विशेष पर्व की तरह मनानी चाहिए, जैसे कि आप होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि मनाते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पति पत्नी साथ में अपने घर के देवता और कुल देवता का विधिवत पूजन करें। इसके बाद कलश स्थापना करें और विशेष भोग लगाएं, जैसे हलवा, पूरी, मिठाई, फल इत्यादि। इसके बाद सूर्य को अर्घ देना जरूर चाहिए। इस दिन तुलसी जी का पूजन भी विशेष रूप से करें और प्रार्थना करें माँ तुलसी जी से कि आपका सुहाग सदा बना रहे, वंश आगे बढ़ता रहे, मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहे और मन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप किसी मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। वहां आप श्रृंगार का सामान, फल, दीपक इत्यादि चीजें लेकर जाएं और मंदिर में पूजन करें। वहां पर प्रार्थना करें कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार करें। आप सदा सुहागिन रहें, अच्छे मार्ग पर चलें और आपको इतना धन दे कि जरूरतमंदों की भी सेवा उससे कर सके। इसके बाद जो श्रृंगार का सामान आपने भगवान को चढ़ाया था मंदिर में, उसमें से थोड़ा सा अपने साथ घर वापस ले आए। बाद में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आपको इस दिन विवाह के समय पहने हुए कपड़े, जैसे चुनरी, साड़ी आदि वस्त्रों में से किसी एक वस्त्र को जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी आभूषण जो आपने शादी के समय पहना हो, उसे भी जरूर पहने। इस दिन स्त्रियों को मेहंदी भी लगानी चाहिए। इस दिन आप उत्सव भोज बनाएं और गरीबों को भी खिलाएं। इस दिन दीपदान करने का भी विशेष विधान बताया गया है। आप पीपल, तुलसी अपने घर के आंगन में दिए जलाएं, क्योंकि यह भी एक विशेष पर्व है। आप गाय को गुड़ खिलाएं। इसके साथ आप चींटी, मछली, कुत्तों को भी कुछ खाने को अवश्य दें। इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखें कि दान देने से धन कभी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। इस दिन आप पितृ पूजन अवश्य करें। पितरों के नाम पर खीर बनाएं और उसे दान करें। गाय, कुत्ते, कौवों को भी भोजन दें। पीपल की जड़ में पितरों का निवास माना जाता है। इस दिन पीपल पर दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाएं और पूजा इत्यादि करें, फिर पांच परिक्रमा करके वापस लौट आए। इस दिन सत्यनारायण जी का पाठ या सुंदरकांड का पाठ या गीता का पाठ करने का विशेष विधान है। शाम को अपने परिवार वालों के साथ घूमने भी जाएं। इससे साथ में आपसी स्नेह हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अक्सर लोग इस दिन को मात्र एक आम दिन की तरह ही लेते हैं, जिसे वे लोग आउटिंग या कैंडल लाइट डिनर करके उसे मना लेते हैं। आजकल यह प्रचलन नई पीढ़ी में काफी बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, आप अपनी वर्षगांठ को इस प्रकार मनाएं जैसे मैंने आपको बताया है। इसे उत्सव की तरह मनाएं और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में हमेशा मधुरता, स्नेह, आदर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।